तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, आपको भी अगर अपने मोबाइल में इस टाइप के गूगल AR स्टिकर लाने हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है मेरे हाथ में Realme 5 डिवाइस और इसमें मैंने स्क्रीन लगा के रखी है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये Realme 5 है और इसी में आज मैं आपको गूगल AR कोर जो है सपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो गूगल के जो स्टिकर रहते हैं AR स्टिकर, उसे यहाँ पे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है GCam होना चाहिए। तो GCam जो है यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रखा है, GCam 7.2 वाला। अगर आपके पास इससे लेज़र वर्जन है तो भी कोई बात नहीं, आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास 7.2 वाला GCam नहीं है तो इसे भी इंस्टॉल आप कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ एक ऐप्स है AR स्टिकर्स वाली, ये गूगल की ही ऐप है, इसे भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब भी आप इसे इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक जो GCam है उसमें ये मोड आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जो AR स्टिकर वाली जो ऐप है AR कोर, इसे यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा, इसे इंस्टॉल पे आपको दबा देना है क्लिक, और यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डन का, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा, डन का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही डन का ऑप्शन आएगा आपको इस पर टैप कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपना जो GCam है, GCam 7.2 या फिर जो भी आपके पास वर्ज़न है उसे आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये GCam 7.2, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, 60S जूम सपोर्ट करता है और भी बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स आपको नाइट साइड वगैरह सब वर्किंग पोजिशन में मिल जाएंगे। और इस GCam से आप एस्ट्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हो। राइट साइड में आपको मोर का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे जो आपने अभी AR स्टिकर जो इंस्टॉल किया है यहाँ पे ऐप्स आ गई है, मोड आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर टैप करोगे थोड़ा सा समय लगेगा और यहाँ पे लेट्स गो का ऑप्शन आ जाएगा। AR कोर सपोर्ट के बारे में यहाँ पे रियलमी ने पहले ही बोला था कि मोबाइल में सपोर्ट करने लगेगा, तो अभी मैंने बहुत दिन बाद जब इसे ओपन किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सपोर्ट करने लगा। तो इस पर एक राउंड आपको यहाँ पे लेना है इस टाइप से, और इसके बाद जो ये मोड है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टिकर दिख जाएंगे, ये AR स्टिकर है दोस्तों। और यहाँ पे आप इसे ड्रैग करके ऐसे नीचे लाना है, और यहाँ पे ये साउंड के साथ यूज़ होते हैं, मीन्स ये बातें भी करते हैं, साउंड भी इसमें आता है, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक वाले स्टिकर लगते हैं। तो आप इस टाइप से इसे यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो दोस्तों इसका पिक भी ले सकते हो किसी के साथ, या फिर आप इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे आपको एक पिक लेके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये पिक जो है इस स्टिकर के साथ यहाँ पे आ गई है। तो ये ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप लुक दे सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के आपको AR स्टिकर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आप इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लाओगे तो ये जो है नेम जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसे यहाँ पे टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ अतुल टेक बाजार। और इस पे लिखने के बाद आप इसे यहाँ पे पिक के रूप में भी ले सकते हो, या फिर इसका वीडियो भी बना सकते हो। और जब आप नाम लिखने के बाद अपना आप यहाँ पे पिक देखोगे तो कुछ इस टाइप के आपको यहाँ पे पिक देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। और भी यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे जो कि मूविंग यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे साउंड भी आपको देखने को मिलता है। अगर दो स्टिकर आप यहाँ पे लोगे AR स्टिकर तो ये जो है एक दूसरे से बात भी करते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसे यूज़ कर सकते हो। AR कोर का सपोर्ट जो है अभी रियलमी के मोबाइल में होने लगा है, तो यहाँ से आप ये सपोर्ट भी ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ही ऐप्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।